अरे तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 8 साल, 8 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाल। तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 8 साल, 8 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाल। हूँ अहमदाबाद नो रिक्शा वालो, मौज मजा थी फरवा वालो, अहमदाबाद नव अहमदाबाद बताओ चालो, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, बोल बोल तो तोली तोली छेल छबीलो गुजराती, आ छेल छबीलो गुजराती। पिछले 20-21 सालों में अहमदाबाद कितना बदला है, ये अगर आपको देखना है तो यहाँ साबरमती नदी पर आकर देखे, जिस तरह से अहमदाबाद का स्काईलाइन आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, ये दर्शाता है कि अहमदाबाद आज किस लेवल पर एक्सपैंड कर चुका है। और इस वक्त हम साबरमती नदी के बीचों बीच ठीक अटल ब्रिज पर हैं, अटल फुटओवर ब्रिज, और आप देख सकते हैं ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर, अभी अभी कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसे डेडिकेट किया है। और जितना अतरंगी ये स्ट्रक्चर है, जितना रंगीन ये स्ट्रक्चर है, उतनी ही रंगीन पर्सनैलिटी इस वक्त हमारे साथ है। अहमदाबाद के एक बहुत फेमस पॉप सिंगर हैं, रैप सिंगर हैं, गुजराती पॉप और रैप के बड़े आर्टिस्ट हैं अरविंद वेगड़ा। अरविंद, ये बताइए कि सबसे पहले तो अहमदाबाद का ये जो बदलता हुआ रूप है, इसको देखकर क्या कहेंगे? सी, अहमदाबाद को देख के हमेशा मेरे दिल में एक ही बात आती है कि हूँ अहमदाबाद नो रिक्शा वालो, मौज मजा थी फरवा वालो, अहमदाबाद नव अहमदाबाद बताओ चालो, अरे एवी रिक्शा हाकू, अरे एवी रिक्शा हाकू, हैरत पामे ओड़ी वालो, अहमदाबाद बताओ चालो। अहमदाबाद में जिस तरह से रिक्शाएं चलती हैं और ट्रैफिक है, ऑडी वाला तो वैसे भी परेशान हो ही जाता है। अच्छा, ये बताइए, माहौल अब चुनाव का है, जी जी जी, क्या आपको लगता है इस बार का चुनाव किस तरह का रहने वाला है? इस बार का चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट एक तरफा है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, हम तो इतने समय से उनके काम को देख रहे हैं, और यहाँ पर हम जो ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, अगर ये सोच नहीं होती, एक विचार नहीं होता, तो ये हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। हम वही पुराने जो खाली नदी थी जिसमें एक मिट्टी बिछी हुई थी, उसी में हम खड़े रहते। मैं तो अभी भी यहाँ पे कहता हूँ कि छोटा सा एक तालाब जैसा लग रहा था, आज इस नदी को हम जो देख रहे हैं, वो मैं एक ही बात कहूंगा कि मोदी जी का जो उनकी जो आइडिया है, उनका जो आइडिया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए, अहमदाबाद इतना बड़ा और इस तरह से खूबसूरत होना चाहिए, तो मैं सोचा था नदी में कभी इस तरह से पानी आएगा, इतना ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। मैं तो मैं बिल्कुल नदी के बगल में ही पला बड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि ये नदी का इस तरह से, ये जो नदी की जो शानो शौकत है ना, वो एक ही बंदे और एक ही व्यक्ति की देन है, हम तो यही कहेंगे। या तो क्या इस नाम पे वोट भी मिलेगा उन्हें? ऑफकोर्स, सीधी सी बात है, क्योंकि गुजराती जो होते हैं ना, बहुत ही अलग किस्म को होते हैं, और मैं तो उनके लिए, गुजराती के लिए एक बात कहूंगा कि लांबो डगलो मुछो वाकड़ी सिरे पागड़ी राती, अरे तोल बोल बोल तो तोली तोली छेल छबी लो गुजराती, आ छेल छबी लो गुजराती। गुजराती जो है वो सोच समझ के कोई भी चीज को कर देता, हमें हवा में नहीं कह देता कि यहाँ ये हो जाएगा, उसके ऐसे मुंह पे नहीं दिखाई देता यही करेगा, पर वो सोचता अंदर है और दिमाग में रखता है कि मुझे किसको चुनना है और किसको निकालना है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, उनके लिए तो कहने की एक बात मैं आपको कहूं, ला सोरट कच्छ के झालावाड़ और उत्तर दक्षिण गुजरात, ले सोरठ कच्छ के झालावाड़ और उत्तर दक्षिण गुजरात, देश में विकासनी लहर शुरू करी छे, आ एक ज व्यक्ति छे जे मोदी छे, भाई 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 तो चुनाव प्रचार में भी काफी उपयोग में आता है, हमने देखा कई बार यूज हुआ है। ये बताइए कि क्या वोटर्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे, वोटर्स जो हैं वो इन सारी बातों से इंप्रेस होंगे? हम देखते हैं कई बार सिनिसिज्म आ जाता है वोटर्स में भी। देखिए, वोटर्स को एक ही बात मैं तो ये कहूंगा एज ए जो भारत के नागरिक के तौर पे, कि वोट 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 सोच समझ के करना, वोट 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 सोच समझ के करना, वोट तेरे एक वोट से मिलेगा देश को सपोर्ट, वोट 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 सोच समझ के करना, वोट जो न तो करेगा वोट देश को पड़ेगी खोट, वोट 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 सोच समझ के करना वोट। तो वोटर्स को मैं तो ये अपील करूंगा कि तुम्हें वोट करना है, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है, और तुम्हारे इस एक वोट से देश की प्रगति, देश के विकास और एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता है, और सही व्यक्ति को चुनना बहुत जरूरी है, और इस वक्त जो सही व्यक्ति है हमें सबको पता है।
कौन है भाई सही व्यक्ति? हमारे लिए तो एक ही है, मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्योंकि राष्ट्र नेता है और डबल इंजन की जो सरकार की जो बात कह रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी मोदी जी है और यहाँ पर भी जो है भाजपा की सरकार है, अपने भूपेंद्र जी है, तो कहने की मतलब ये है कि ये बहुत ही सपोर्ट मिलता है। जो कहते हैं ना कि भाई हम अगर घर पे होते और माँ हमको परोस रही है तो हमें दो रोटी ज्यादा ही मिलने वाली है, हम तो यही कहेंगे। का जो रैप जो था वो इस तरह से बनाया हुआ था कि तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 8 साल, 8 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाल, तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 8 साल, 8 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाल, देश मेरा जो बढ़ रहा है फिर तू जल रहा है करके उल्टी सीधी टिप्पणी, जेब खर्चना चल रहा है। तो ये एक हमने बताई थी कि भाई देश को बचाना हो तो हो नमो अगेन, देश को बढ़ाना हो तो हो नमो अगेन, एक तो बार बार चाहिए तो हो नमो अगेन, सच्चा देशभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन, देश को बचाना है तो हो नमो अगेन, देश को बढ़ाना है तो हो नमो अगेन। जी वैसे गुजरात में भी हम देख रहे हैं इस बार कंपटीशन तो है, आम आदमी पार्टी जो है एक बड़े चैलेंजर के तौर पे उभर रही है, यहाँ अहमदाबाद में क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है कि चैलेंज तो हमेशा रहती है और चैलेंज ऑलवेज, हम तो यही कहते हैं गुजराती जो होते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड, हम कभी ये नहीं कहते कि आपको हर बार ये रहता है माहौल, हर बार ऐसा नहीं है कि पहले कांग्रेस की बातें रहती थी और हर बार यही रहता था कि इस बार हम लोग दिशा बदल देंगे, दशा बदल देंगे, हमने तो पूरा माहौल ही बदल दिया था उनका, दशा हमने उनकी दशा बिगाड़ दी थी 2012 में जो था, एक उनका थप्पड़ का कैंपेन चल रहा था, हमने सामने भाई भाई का हमारा कैंपेन चला था, तो हर बार कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन चलती है। बट एक ही चीज जो है वो आम आदमी इस बार कहती है कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ये फ्री देंगे, भाई रेवड़ी वाला जो कल्चर है हम उसी को बोलेंगे कि रेवड़ी वैचू वैचू ने खुटी जाए, रेवड़ी वैचू वैचू ने खुटी जाए, ना नारे रहवाए, ना नारे सहवाए, ना नारे रहवाए, ना नारे सहवाए, ना कोई ने कहवाए, हाय हाय ओए होए केम भाई कोने गोली आले छे, के रेवड़ी वैचू वैचू ने उड़ी जाए, रेवड़ी वैचू वैचू ने खुटी जाए, हूँ अहमदाबाद नो रिक्शा वालो, मौज मजा थी फरवा वालो, अहमदाबाद नव अहमदाबाद बताबू चालो, अरे एवी रिक्शा हाकु, अरे एवी रिक्शा हाकु, हैरत पामे ओड़ी वालो, अहमदाबाद बताबू चालो, हे अरे सोरठ कस के झालावाड़, ओए उत्तर दखण गुजरात, ले सोरठ कच्छ के झालावाड़, ओए उत्तर दखण गुजरात, तमे आजुओ विकासनी करी छे नरेंद्र मोदी एज शुरुआत, भाई भाई हे भाई भाई, मजा नी छे जिंदगी गुजरात नी, आ जिंदगी मजा नी छे जिंदगी, आ भारत नी जिंदगी, भाई भाई हे भाई भाई, वोट 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 सोच समझ के करना वोट, वोट 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 सोच समझ के करना वोट, तेरे एक वोट से मिलेगा देश को सपोर्ट, वोट 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 सोच समझ के करना वोट, जो न तो करेगा वोट देश को पड़ेगी खोट, वोट 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 सोच समझ के करना वोट, वोट 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 सोच समझ के करना वोट, वोट 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 सोच समझ के करना वोट। अरे तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 8 साल, 8 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाल, तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 8 साल, 8 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाल, देश मेरा जो बढ़ रहा है फिर भी तू क्यों जल रहा है करके उल्टी सीधी टिप्पणी, जेब खर्चना चल रहा है, तेरा झूठ अब ये चलने वाला, देश को बचाना है तो हो नमो अगेन, देश को बढ़ाना हो तो हो नमो अगेन, सच्चा देशभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन, सच्चा देशभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन, देश को बचाना है तो हो नमो अगेन, देश को बढ़ाना है तो हो नमो अगेन, सच्चा देशभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन, सच्चा राष्ट्रभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन।